नमस्कार, उत्तराखंड ब्रिटेन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ऋचा सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, पर उससे पहले एक नजर सुर्खियों पर। लगातार बढ़ रहा उत्तराखंड में कोरोना का ग्राफ, पिछले 24 घंटे में 90 मामले आए सामने। कोरोना मरीजों की 2 की मौत। देहरादून में अगले आदेश तक बंद रहेंगे अनुभाग, सतपाल महाराज से जुड़े अनुभाग बंद रहेंगे। सचिवालय में जारी है सैनिटाइजेशन का काम। केदारनाथ तीर्थ पुरोहित समाज में कोरोना को लेकर डर, जून माह में किसी भी प्रकार की यात्रा न खोलने की मांग। पिथौरागढ़ में मंत्री अरविंद पांडे हुए मीडिया से मुखातिब, मोदी सरकार की गिनाई उपलब्धियां, जनता के हित में मोदी सरकार ने लिए निर्णय। कांग्रेस का प्रदेश सरकार पर हमला, कहा क्वारंटाइन सेंटरों में बिताई एक रात, सूर्यकांत धस्माना ने लगाया लापरवाही का आरोप। और फिर बदला देवभूमि में मौसम का मिजाज, मौसम जारी विभाग ने जारी किया ऑरेंज अलर्ट, 5 जून से बहुत भारी बारिश के आसार। खबरों की शुरुआत करती है। मोदी सरकार 2.0 के एक साल पूरे होने पर सीएम मीडिया से मुखातिब हुए। सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि मोदी 2.0 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने बड़े ऐतिहासिक फैसले लिए हैं। रिपोर्ट देखिए। सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत हुए मीडिया से मुखातिब। मोदी सरकार 2 के एक साल पूरा होने पर कहा, मोदी 2 के पहले साल लिए गए ऐतिहासिक फैसले। पहले साल के कार्यकाल में कई उपलब्धियां हासिल। कोरोना पर पीएम ने समय पर लिए सही फैसले। कोरोना से मृत्यु की दर वैश्विक औसत से कहीं कम। एक साल की सफलता ने पीएम को बनाया वैश्विक नेता। आज हमारे किसान देश की किसी। मोदी सरकार 2.0 के एक साल पूरा होने पर सीएम मीडिया से मुखातिब हुए। सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि मोदी 2.0 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने बड़े ऐतिहासिक फैसले लिए। अब आपको ग्राफिक्स के जरिए दिखाते हैं कौन से ऐतिहासिक फैसलों का सीएम ने जिक्र किया है। देश के रक्षा क्षेत्र को मजबूत किया, धारा 370 और 35 ए को खत्म कर नया इतिहास लिखा, 3 तलाक को खत्म कर मुस्लिम बहनों को बड़ी राहत दी, नागरिकता संशोधन कानून को मंजूरी दी गई, राम मंदिर निर्माण का मार्ग प्रशस्त किया गया, कारपोरेट टैक्स और आयकर में रियायत दी गई, छोटे दुकानदारों के लिए पेंशन योजना की शुरुआत की गई, हर घर जल हर घर नल योजना पर टाइम बॉन्ड तरीके से काम, एक देश एक राशन कार्ड योजना लागू की गई। स्काइप के माध्यम से मीडिया से बात करते हुए सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि पीएम मोदी द्वारा सही समय पर लिए गए सही फैसले से भारत में कोरोना वायरस से उतना नुकसान नहीं हुआ जैसे कि संभावना जताई जा रही थी। लॉकडाउन से संक्रमण की दर को नियंत्रित किया गया, बेहतर व्यवस्था से कोरोना संक्रमण मामलों में मृत्यु दर भारत में 2.9% रही जबकि वैश्विक मृत्यु दर इससे कहीं अधिक थी। अस्पतालों में पीपी किट, टेस्टिंग किट, आईसीयू वेंटिलेटर आदि की पर्याप्त व्यवस्था कर दी गई। देश में आज लगभग 4.5 लाख पीपी किट का रोजाना उत्पादन हो रहा है। सैनिटाइजेशन, मास्क, फिजिकल डिस्टेंसिंग को लेकर लोग जागरूक हुए हैं। इस दौरान आम जन को राहत पहुँचाने की पूरी कोशिश की गयी है। उज्ज्वला लाभार्थियों को मुफ्त गैस सिलेंडर उपलब्ध कराए गए हैं। 8 करोड़ लोग 5 किलो चावल और गेहूं और 1 किलो दाल 3 माह तक निःशुल्क दी जा रही है। देश के करीब 9 करोड़ किसानों के खाते में पीएम किसान सम्मान निधि के तहत 2,000 रुपए डाले गए। करीब 3 करोड़ वृद्ध, विधवा और विकलांग जनों को 3 माह की पेंशन एडवांस दी गई। लगभग 40 करोड़ महिलाएं जनधन खाता धारकों के खाते में डीबीटी में पैसा भेजा गया। 2 करोड़ से अधिक श्रमिकों को आर्थिक मदद मुहैया कराई गई। आत्मनिर्भर भारत के लिए 20 लाख करोड़। साथ ही कहा कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने 20 लाख करोड़ रुपए का पैकेज प्रदान किया जिससे आत्मनिर्भर भारत का मार्ग प्रशस्त हो रहा है। इस पैकेज द्वारा मजदूरों, किसानों और गांव को मजबूती मिलेगी। इसमें एमएसएमई सेक्टर को भी बूस्ट करने के लिए बहुत से महत्वपूर्ण प्रावधान किए गए हैं। इसका फायदा राज्य के एमएसएमई क्षेत्र को भी मिलेगा। मनरेगा के लिए 40,000 करोड़ रुपए का अतिरिक्त आवंटन कराने से गांव रोजगार के अवसर बड़ी संख्या में उपलब्ध होंगे। इससे विशेष तौर पर अपने गांव लौटे प्रवासी श्रमिकों को काम मिलेगा।
हजार करोड़ की वित्तीय मदद दी जा रही है। पीएम मत्स्य संपदा योजना में 20,000 करोड़ का प्रावधान है। इससे भारत में अगले 5 वर्षों में 70 लाख टन मछली उत्पादन बढ़ने की संभावना है और 55 लाख लोगों को रोजगार मिले। कर्मचारियों को राहत। कर्मचारियों को राहत देते हुए अब अगले 3 माह तक पीएफ में अंशदान का भुगतान सरकार करेगी, जिसमें 2500 करोड़ का खर्च आएगा। स्वास्थ्य क्षेत्र में सार्वजनिक व्यय को बढ़ाने में स्वास्थ्यगत ढांचा मजबूत होगा। हेल्थ और वेलनेस सेंटरों में सुविधा बढ़ी। जिला और ब्लॉक स्तर पर संक्रमक रोग अस्पताल और पब्लिक हेल्थ लैब की स्थापना से हेल्थ सिस्टम का गांव तक विस्तार होगा। राज्यों के लिए उधार की सीमा की जीएसडीपी के 3% से बढ़ाकर 5% किया गया है। इससे राज्यों के वित्तीय संसाधन जुटाने में मदद मिलेगी। किसानों के हित में मोदी सरकार। केंद्र सरकार ने किसानों के हित में 14 फसलों को एमएसपी में बढ़ोतरी की है। किसानों के उत्पादों की मीटिंग के लिए व्यवस्था की गई। लॉकडाउन के दौरान भी किसान काम करते रहे, इसके लिए केंद्र सरकार ने उनकी हर जरूरत का ध्यान रखा। लॉकडाउन में पीएम किसान फंड में 18,700 करोड़ रुपए और पीएम फसल बीमा के लाभार्थियों को 6400 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए गए। पीएम मत्स्य संपदा योजना में 20,000 करोड़ का प्रावधान। कृषि का आधारभूत ढांचा बनाने के लिए 1,00,000 करोड़ की योजना लाई गई। 3 करोड़ छोटे और सीमांत किसानों को लाभ देने के लिए 30,000 करोड़ का प्रावधान किया गया। जो किसानों को जो आजादी दी गई है नया एक्ट ला करके, और जो उसके कारण आज हमारे किसान देश की किसी भी मंडी में जाकर के या आड़तियों को बुला करके अपने आप स्वतंत्र हैं कि वो कहीं भी अपना माल बेच सकते हैं। स्क्रीन टेस्टिंग और क्वारंटाइन की व्यवस्था। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में अभी तक लगभग 2 लाख के करीब लोग वापस लौटे हैं। इनका विवरण तैयार किया जा रहा है। प्रदेश में केंद्र सरकार को गाइडलाइन के अनुसार आने वालों की स्क्रीनिंग टेस्टिंग और क्वारंटाइन की व्यवस्था की जा रही है। राज्य में कोरोना संक्रमण के मामले बढ़ रहे हैं, परंतु हमारी पूरी तैयारी है। लगभग 14,000 बेड संस्थागत फैसिलिटी में उपलब्ध है। आईसीयू वेंटिलेटर के साथ ही चिकित्सकों और पैरामेडिकल स्टाफ की संख्या में इजाफा किया गया है। आज लगभग मैं समझता हूँ कि हमारे पास 2400 के आसपास, 2300-2400 के बीच में हमारे पास डॉक्टर आज फील्ड में हैं। तो हमने डॉक्टर्स की भी पर्याप्त संख्या में इस दौरान भर्ती की है। अभी वो प्रक्रिया चालू है, उसको हम आगे भी चालू करेंगे। ऐसे ही जो पैरामेडिकल स्टाफ है उसकी भी हमने इस दौरान भर्ती की है। हमने वहाँ के सीएमओ को अधिकार दिया है कि आप अपनी आवश्यकता के अनुसार अपने जिले में पैरामेडिकल स्टाफ की या जो उनको अन्य जो सहयोगी स्टाफ चाहिए वो आप ले सकते हैं। तो हमारी जो स्वास्थ्य व्यवस्थाएं हैं और जो सुविधाएं हैं उनमें उनको हमने अवसर में बदलने की कोशिश की है कि मौका है। 3 मेडिकल कॉलेज रुद्रपुर, उधम सिंह नगर, हरिद्वार और पिथौरागढ़, इसमें हमने कार्यदायी संस्थाएं भी जो इनको बनाएंगी वो भी निर्धारित कर दी हैं और उनके बहुत जल्दी टेंडर हो जाएंगे। तो 3 मेडिकल कॉलेज का भी शुभारंभ बहुत जल्दी हो जाएगा, इनकी बिल्डिंग बढ़ाने का काम हो जाएगा। इस बीच चाहे हरिद्वार हो, हल्द्वानी हो, उधम सिंह नगर हो, पहाड़ के जनपद हों, सभी जनपदों में हमने अस्पतालों में अतिरिक्त बेड्स की व्यवस्था की है। 8 जून से धार्मिक स्थलों को खोलने की अनुमति। भारत सरकार ने 8 जून से धार्मिक स्थलों को खोलने की अनुमति दी है। चारधाम यात्रा को सीमित, नियंत्रित और सुरक्षित रूप से शुरू करने पर विचार किया जाएगा। परिस्थितियों के अनुरूप इसे लेकर निर्णय लिया जाएगा। पर्यटन से जुड़े लोगों को राहत देने के लिए कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं। प्रदेश की अर्थव्यवस्था को दोबारा गति देने के लिए बहुत सी आर्थिक गतिविधियों को शुरू किया गया है। रजिस्ट्री स्टैम्प आदि से सरकार को राजस्व मिलने लगा है। युवाओं और प्रदेश में लौटे लोगों के लिए मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना प्रारंभ की गई है और भी बहुत सी योजनाओं पर काम किया जा रहा है। ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। औद्योगिक इकाइयों को संचालन की अनुमति दी गई है। और यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो चला है, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे।
की न्यूज खबरों का सारथी। माउंट लिटरेसी स्कूल नाउ नंबर वन इन एकेडमिक्स, नंबर वन इन स्पोर्ट्स, बेस्ट टीचर्स, बेस्ट रिजल्ट, स्मार्ट क्लासरूम, बेस्ट ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी, वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ माउंट लिटरेसी स्कूल नाउ। खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद स्वागत है खबरों में। आगे बढ़ते हैं, उत्तराखंड को एक और कोरोना जांच लैब मिल गई है। आईआईपी देहरादून में भी एक कोरोना जांच लैब शुरू कर दी गई है। इसके साथ ही राज्य में 5 सरकारी लैब हो गई हैं। आपको बता दें, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम में शुरू की गई कोरोना जांच लैब में प्रतिदिन करीब 100 सैंपल की जांच की जा सकती है। इस लैब की शुरुआत अपर स्वास्थ्य सचिव युगल किशोर पंत ने की। बता दें चलें कि राज्य में लगातार वेटिंग में सैंपल रिपोर्ट बढ़ती जा रही है। यह संख्या 7,000 के पार पहुंच गई है। ऐसी में जांच लैबों के बढ़ने से कोरोना की अधिक से अधिक टेस्टिंग हो सकेगी। हमारे पास पर शिफ्ट 5 से 6 स्टाफ की जरूरत है, तो अभी हमारे पास टोटल 5 लोग ही हैं और इसको बढ़ के हम डबल करने की सोच रहे हैं इस महीने के अंदर अंदर। और इसमें जो लागत है लगभग 1.5 करोड़ की लागत लगी है और कुछ सामान हमारे पास पहले से ही था। तो ऐसा नया बनाना चाहें तो अब हम साबित कर चुके हैं कि इसको हम 5 से 6 हफ्ते में ऐसा पूरा नया यूनिट कहीं भी लगा सकते हैं देश में, और यही 1.5-2 करोड़ के अंदर। उत्तराखंड की लाइफलाइन कहे जाने वाले चार धाम यात्रा 8 जून से शुरू होने की उम्मीद है। सरकार ने यात्रा को शुरू करने के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं, बस अब केंद्र सरकार की गाइडलाइन का इंतजार है। आपको बता दें चलें कि कोरोना महामारी के चलते इस साल चारधाम पूरी तरीके से ठप है। यात्रा सीजन तकरीबन 3 महीने निकल चुके हैं, जिससे स्थानीय लोगों के रोजगार पर संकट खड़ा हो गया है, क्योंकि यात्रा सीजन स्थानीय लोगों के लिए रोजगार का बड़ा साधन है। यही वजह है कि यात्रा ना होने से स्थानीय लोग भी परेशान हैं। खैर, अब संकट की घड़ी खत्म होने जा रही है और चारधाम यात्रा को लेकर सरकार ने पूरी तैयारियां कर ली हैं। कैबिनेट मंत्री मदन कौशिक ने बताया कि सरकार की ओर से चार धाम यात्रा को लेकर सभी तैयारियां कर ली गई हैं। 8 जून से सभी धार्मिक स्थल खोले जाएंगे, जिसमें चार धाम यात्रा महत्वपूर्ण है। और साथ ही उन्होंने कहा कि कोरोना की वजह से अब तक जो वित्तीय नुकसान हुआ है उसे भी सुधारने की कोशिश की जाएगी। वहीं कांग्रेस ने चार धाम यात्रा शुरू करने को लेकर सवाल खड़े कर दिए हैं। कांग्रेस का कहना है कि देश भर में इस समय कोरोना के मरीज बढ़ रहे हैं, तो सरकार किस आधार पर चार धाम यात्रा शुरू करने जा रही है। धस्माना का कहना है कि सरकार पहले ये बताए कि जो लोग अन्य प्रदेशों से यात्रा के लिए आएंगे तो क्या उन्हें पहले 14 दिनों के लिए क्वारंटीन करना होगा। देखिए, इसमें तो भारत सरकार की गाइडलाइन भी आने वाली है। हमारी गाइडलाइन हमने बना ली है कि हम जो चार धाम यात्रा है या हम अन्य धार्मिक यात्रा है उनमें सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कैसे होगा, कितनी संख्या में जाएंगे, कितनी उसकी कैपेसिटी है, कैपेसिटी के आधार पर एक समय में कितने लोग जाएंगे, उस शहर की कितनी कैपेसिटी है, उस शहर में सोशल डिस्टेंसिंग के लिए कितने लोग जाएंगे, वहाँ कितने होटल हैं, कितनी धर्मशालाएँ हैं, वहाँ कितनी लोगों को एक साथ रात को एक कमरे में एक व्यक्ति ठहरा, ये सारी चीज़ें जिस पर हमारा वर्क चल रहा है। और निश्चित रूप से हम इस यात्रा को लेकर सीमित संख्या में सुरक्षित रूप से और एक नियमित रूप से यात्रा चले, इसका हम प्रयास कर रहे हैं। देखिए, चार धाम यात्रा शुरू करने का जहां तक सवाल है, सरकार घोषणा कर रही है कि 8 तारीख से 8 जून से हम चार धाम यात्रा शुरू कर रहे हैं, लेकिन हमारा सवाल यह है कि इस COVID-19 के दौर में जब उत्तराखंड में संक्रमण लगातार बढ़ रहा है, संक्रमण नियंत्रण में नहीं है, पूरे देश से अलग अलग प्रांतों से आने वाले लोगों को परमिट की आवश्यकता है, लोगों को क्वारंटीन करने की आवश्यकता है, तो आप सरकार ये बतावे कि 8 तारीख के बाद जो यात्री आएगा अगर वो रेड जोन से आ रहा है तो पहले वो 14 दिन क्वारंटीन होगा, उसके बाद वो यात्रा पे जाएगा। क्या ब्लूप्रिंट है सरकार के पास? सरकार के पास क्या इस बात के लिए
तैयारी है, किस तरह से वो यात्रा करवाएंगे, मैं समझता हूं कि ना समझी की बात है। नैनीताल हाईकोर्ट ने काशीपुर के जसपुर खुर्द ग्राम सभा नाले के ऊपर किए गए अतिक्रमण और साफ सफाई को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने नगर निगम काशीपुर से 3 सप्ताह के अंदर जवाब दाखिल करने के आदेश दिए हैं। मामले की सुनवाई के लिए कोर्ट ने 3 सप्ताह के बाद की तिथि नियत की है। आपको बता दें कि काशीपुर निवासी वीरेंद्र कंडारी ने जनहित याचिका दायर कर रखा है और कहा कि काशीपुर से जसपुर खुर्द गांव के कई परिवार निवास करते हैं। गांव के पानी की निकासी के लिए ग्राम सभा में 2 मीटर चौड़ा नाला बनाया गया था, जिसके ऊपर लोगों ने अतिक्रमण कर दिया है, जिस कारण नाले की चौड़ाई घटकर कुछ मीटर ही रह गई है, जिससे नाले का बहाव अवरुद्ध हो गया है और उसमें कूड़ा गंदगी भरी रहती है। नगर पालिका द्वारा ना तो अतिक्रमण हटाया जा रहा है और ना ही नाले की सफाई की जा रही है। ये याचिका काशीपुर की है, जसपुर खुर्द जो विलेज है, तो उसमें काफ़ी लंबा चौड़ा एरिया और काफ़ी मोहल्ले उसके अंतर्गत आते हैं और जो हाउसेस की वेस्टेज का जो एक नाला है 2 मीटर चौड़ा है वो और काफ़ी लंबा है, तो एक्चुअली इंक्रोचमेंट के बाद वो हो गया 2 फीट और ड्रेनेज की कोई व्यवस्था तो नगर निगम उसमें कर नहीं रहा है अल्टरनेट और इंक्रोचमेंट भी उस पर काफ़ी है, तो उसमें क्या है काफ़ी बीमारी फैलने का खतरा है। और यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो चला है, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। न कूटनीति की बात, न राजनीति का युद्ध, हम आप सब कोरोना के विरुद्ध, कोरोना का जिक्र है हमें आपकी फिक्र है, कोरोना अपडेट भी दिखाते हैं, उससे लड़ना भी सिखाते हैं। देखिए फिक्र आपकी रात 9 बजे TV9 भारतवर्ष, अब तो सब देख रहे हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद स्वागत है, खबरों में आगे बढ़ते हैं। उधम सिंह नगर के पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय के छात्र की एक युवती से छेड़छाड़ की, जिसके बाद आरोपी युवक के खिलाफ पीड़िता के भाई की तहरीर पर मुकदमा दर्ज करते हुए पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी ने पूछताछ में बताया कि वो अफगानी मूल का रहने वाला है और वही युवती ने आरोप लगाते हुए बताया कि आते जाते युवक उसको रोज परेशान किया करता था, जिसके बाद युवती ने अपने भाई को इस बात की जानकारी दी। 112 से सूचना आई कि एक महिला के साथ छेड़छाड़ की गई है एक अफगानी छात्र द्वारा। मौके पर पुलिस बल को भेजा गया तो इस घटना की प्रथम दृष्टया पुष्टि हुई और वो महिला की कंप्लेंट पर थाने में FIR लॉज कर दी गई है और जो अफगानी छात्र है उसको भी अरेस्ट कर लिया गया। समलैंगिक नाबालिग बेटे ने पिता पर जबरन शादी करने के आरोप लगाते हुए मल्लीताल कोतवाली से शिकायत दर्ज कराई है। नाबालिग की शिकायत पर पुलिस ने विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है। नगर कोतवाल अशोक कुमार ने बताया कि नैनीताल निवासी एक नाबालिग बेटी ने पिता पर उसकी जबरन शादी करने का आरोप लगाया है। 16 वर्षीय किशोर के अनुसार वह समलैंगिक है। इस बात का पता जब परिजनों को लगा तो पिता ने उसकी जबरन शादी कर दी, जिसकी शिकायत उसने बाल हेल्पलाइन पोर्टल में शिकायत दर्ज कराने के लिए भी प्रार्थना पत्र दिया है, जिसके आधार पर किशोर के पिता के खिलाफ बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 की धारा 3 और 10 के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। फिलहाल मामले की जांच पड़ताल की जा रही है। और इसके द्वारा प्रार्थना पत्र दिया गया है कि जो है इसकी
इसके माता पिता के द्वारा जो है टांडा जो बिलासपुर में पड़ता है, बिलासपुर थाने के अंदर पड़ता है, वहाँ ले जाकर उसका जबरदस्ती निकाह करवा दिया गया था किसी लड़की से। और उसके बाद जबकि वो लड़का शादी नहीं करना चाहता था, वो उसका कहना है कि मैं संलग्न थी और मैं इस संबंध में उसके माता पिता को पता था, उसके बावजूद भी उसकी जबरदस्ती शादी कर दी गई। अब वह लड़का जो है घर छोड़कर वहाँ जाना चाहता है उस लड़के के पास में, और उसमें उसका कहना है कि जो है क्या कहते हैं मुझ पर दबाव बनाया जा रहा है कि मुझे जबरदस्तियाँ रोका जा रहा है और मुझे जो है उसके मित्र से नहीं मिलने जा रहा, मतलब उस लड़के को उसके मित्र से नहीं मिलने दिया जा रहा। और इस संबंध में जो है उसके द्वारा जो है महिला बाल हेल्पलाइन में जो है प्रार्थना पत्र दिया गया था पोर्टल में, और उस प्रार्थना पत्र के आधार पर तथा CWC के आदेश पर जो है 0 FIR की जा रही है, जिसकी विवेचना जो है संबंधित थाना यूपी बिलासपुर से उत्तर प्रदेश में की जाएगी। सीमांत क्षेत्र खटीमा में लंबे समय से क्षतिग्रस्त रोड का निर्माण कार्य शुरू होने पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने नारियल तोड़कर निर्माण कार्य का शुभारंभ करवाया। निर्माण कार्य शुरू होने पर विधायक पुष्कर सिंह धामी ने विभागीय लोगों का आभार प्रकट किया। आपको बता दें कि खटीमा से लोहिया हेड रोड लंबे समय से खराब थी। इस रोड से दर्जनों ग्रामीणों का आवागमन होता है, जिसको लेकर लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, लेकिन अब ये निर्माण कार्य शुरू होने से लोगों की समस्याओं को निजात मिलेगा। लोहिया हेड खटीमा का जो मार्ग लॉकडाउन के वजह से रुका हुआ था, तो अब वो प्रारंभ हो चुका है। मैंने भी देखा है, कल मैं भी गया था तो उसमें काम शुरू हो चुका, और लॉकडाउन के लिए जो डिस्टेंसिंग की जो वो है उसके लिए उनको आदेश भी कर दिया गया है कि डिस्टेंस का पालन सुनिश्चित करें और वो काम शुरू हो चुका। मुझे बहुत प्रसन्नता हो रही है कि बहुत लंबे समय से जो हमारी ये रोड लोहिया हेड को जाने वाली रोड है, वैसे तो इसका 2 चरणों में ये रोड बन रही है, इसके बन जाने से सभी लोगों को जो है जो परेशानियां होती थी ये गड्ढे धूल और इन पर सामना करना पड़ता था, उनसे निजात मिलेगी। मैं सबको बधाई देना चाहता हूं, क्षेत्रवासियों को और अपने उज्जवल जो उत्तराखंड जल विद्युत निगम के अधिकारीगण है उनका भी धन्यवाद करना चाहता हूं कि ये रोड बन रही है। जुलाई महीने में होने वाली स्नातक की परीक्षाओं को लेकर कोटद्वार में छात्रों का विरोध शुरू हो चुका है। कोटद्वार पीजी कॉलेज के बाहर धरने पर बैठे छात्रों ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए परीक्षाएं रद्द करने की मांग की है, और कोरोना संक्रमण का हवाला देते हुए छात्रों ने सरकार से इस साल की परीक्षाएं रद्द कर सभी को अगली कक्षा में प्रमोट करने की बात कही है, और साथ ये भी कहा कि मांग पूरी नहीं हुई तो महाविद्यालय के साथ आकर उसका विरोध किया जाएगा। नैनीताल हाईकोर्ट ने हवाई सेवा से राज्य में आने वाले प्रवासियों के मामले में दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए बुधवार को केंद्र व राज्य सरकार के अलावा मुख्य सचिव, नागरिक उड्डयन सचिव को नोटिस जारी कर 9 जून तक जवाब पेश करने के निर्देश दिए हैं। मामले की सुनवाई मुख्य न्यायाधीश रमेश रंगनाथन व न्यायमूर्ति रमेश चंद्र खुलवे खंडपीठ में हुई। आपको बता दें उमेश कुमार की ओर से दायर जनहित याचिका दायर कर कहा कि राज्य सरकार हवाई जहाज से आने वाले प्रवासियों के साथ भेदभाव कर रही है। सरकार की ओर से यहां आने वाले प्रवासियों को क्वारंटीन के नाम पर होटलों में रखा जा रहा है और उनके ठहरने और खाने पीने का खर्चा उनसे वसूला जा रहा है, जबकि अन्य यात्रियों का खर्चा राज्य सरकार खुद वहन कर रही है, जो कि गलत है। याचिकाकर्ता की ओर से इस मामले में केंद्र व राज्य सरकार के साथ साथ प्रदेश के मुख्य सचिव उत्पल कुमार सिंह, नागरिक उड्डयन सचिव व देहरादून के जिलाधिकारी को पक्षकार बनाया गया है। कोर्ट ने सभी पक्षकारों को 9 जून तक जवाब पेश करने को कहा है। उत्तराखंड में जब से ये वायु मार्ग खोला है सरकार ने, उसके बाद से व्यवस्था लागू की है कि जो लोग हवाई मार्ग से उत्तराखंड में आएंगे उनके लिए उन्होंने होटल एक्वायर किए है गवर्नमेंट ने, और उसमें जो जितने भी यात्री आ रहे हैं उनको होटलों में भेजा जा रहा है। लेकिन सरकार की कथनी और करनी में यहाँ पर अंतर आ रहा है। एक तरफ तो सरकार कह रही है कि उन होटलों का किराया सरकार द्वारा दिया जाएगा, लेकिन ठीक उसके विपरीत हवाई यात्री जितने भी आ रहे हैं उनको बसों में भरकर जबरदस्ती उन होटलों में भेजा जा रहा है, जिसका किराया भी उनसे वसूला जा रहा है और खाने का खर्चा भी अलग से वसूला जा रहा है। तो इस पर आज हमने एक जनयाचिका यहाँ पर दायर कर दी, और उसमें आज माननीय न्यायालय ने इसका संज्ञान लिया है और सरकार से पूछा है कि ये दोहरी नीति आप क्यों अपना रहे हैं। रेल यात्रियों से और सड़क द्वारा आने वाले यात्रियों का किराया सरकार भर रही है, तो एयरपोर्ट से जो बाई एयर आ रहे हैं उनसे किराया क्यों वसूला जा रहा है।
तो इस पे मामले में आज सुनवाई हुई और अगली सुनवाई इसमें सरकार से जवाब मांगा और 9 तारीख को आगे की सुनवाई इसमें जारी रहेगी। लॉकडाउन की वजह से जिम कारोबारियों के सामने रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया है, जिसके चलते जिम कारोबारियों ने सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए आज डोईवाला चौक पर सांकेतिक धरना प्रदर्शन दिया। कारोबारियों की मांग है कि सरकार को अन्य व्यवसायों की तर्ज पर जिम भी खोले देने चाहिए, ताकि वह भी आर्थिक संकट से उबर सकें, क्योंकि किराए पर चल रहे जिम कारोबारियों के सामने किराया व स्टाफ की सैलरी को लेकर बड़ी समस्या पैदा हो गई है और जिम खुलने से इस समस्या से निजात मिल सकेगी। साथ ही इन कारोबारियों ने सरकार की गाइडलाइंस का सही तरीके से पालन करने की बात कही है। कोरोना वायरस के चलते हुए लॉकडाउन और अब अनलॉक वन के 70 दिन बाद भी प्रवासी मजदूरों की आवाजाही लगातार जारी है, जिसके चलते अन्य प्रदेशों के मजदूर हालांकि अपने प्रदेशों को वापस लौट चुके हैं, तो वहीं अब दूसरी ओर नेपाली मूल के मजदूर काम न मिलने के कारण तंगहाली झेलते हुए वापस अपने वतन लौटने को मजबूर हैं। आपको बता दें, बीते मंगलवार को भी करीब 150 से 200 नेपाली मूल के मजदूर और उनका परिवार विकासनगर अंतर्गत बाड़वाला क्षेत्र में रुके थे, जिनको प्रशासन की मदद से व्यवस्थित ढंग से बसों के द्वारा देहरादून स्थित महाराणा प्रताप स्टेडियम पहुंचाया गया था, जहां से उन्हें चिकित्सकीय परीक्षण के बाद उनके गंतव्य की ओर रवाना किए जाने की व्यवस्था भी की जा रही है। वहीं आज भी बाड़वाला क्षेत्र में करीब 100 से अधिक नेपाली मूल के मजदूर आकर रुके हुए हैं, जिन्हें स्थानीय पुलिस ने सोशल डिस्टेंसिंग और स्वास्थ्य विभाग की गाइडलाइंस का पालन करने की सलाह देने के साथ ही मजदूरों के खाने और उनके रहने के लिए पूरी व्यवस्था की है। तो इसी के साथ उत्तराखंड के बुलेटिन में इतना ही, आगे देखिए उत्तर प्रदेश की खबरें।